जबलपुर के पाटन में गौ माता महाआरती के संस्थापक गृहस्थ संत विवेक साहू उर्फ दाऊ सरकार के द्वारा 2 साल से लगातार गौ माता की महाआरती की जा रही है। शनिवार को गौ माता महाआरती में एक दुख की घड़ी भी आई जब दाऊ सरकार की भाभी का निधन हुआ और ऐसा लग रहा था कि महाआरती संपन्न नहीं होगी, लेकिन दाऊ सरकार के समर्थकों ने मिलकर शनिवार को गौ माता महाआरती की। दाऊ सरकार इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन वह दूर से दिशा निर्देश देते दिखे। जो कि देखिए, दाऊ सरकार के द्वारा 2 वर्ष से लगातार गौ महाआरती महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि दाऊ सरकार द्वारा निरंतर महाआरती, आज उनको ऐसी एक सोच संवेदना उनके परिवार में हो गई है, उनकी भाभी जो है भाभी माँ का निधन हो गया है, जिसके कारण से आज दाऊ सरकार इस महाआरती में सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग ने, जो हमारी समिति है, आयोजन समिति, उन्होंने निरंतर इस क्रम को टूटने नहीं दिया और इस महाआरती को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अगले शनिवार को दाऊ सरकार पुनः इस महाआरती को अपने ही हाथों से करेंगे। बोलिए, गौ माता की जय, भारत माता की जय। इस बाद भी आरती लगातार जारी है, क्या कारण रहा और किस तरह की आप अपील करते हैं लोगों से? प्रत्येक शनिवार की गौ माता महाआरती महायज्ञ में आज हमारे बड़े पिताजी के पुत्र तीसरे नंबर के प्रदीप साहू, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा साहू का स्वर्गवास हो गया है 8 तारीख को, तो अभी 13वीं का कार्यक्रम 20 तारीख को होना है, तो हो नहीं पाया है, तो मैंने आरती का क्रम न रुक पाए, इसलिए अपने साथियों द्वारा राजा ठाकुर वगैरह और सब कुलदीप बबेले वगैरह बाबू हैं, ऐसे सभी सब सदस्य लोगों द्वारा बोले भी कि गौ माता का क्रम रुकना नहीं चाहिए, हम लोग आरती करेंगे, तो वे आरती कर रहे हैं। तो मेरा यही वो है कि हमारी जो भाभी लगती थी उनकी श्रद्धांजलि मैं देता हूँ कि उनकी आत्मा को गौ माता, आत्मा को गौ माता गौ लोक में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और मेरे यहाँ बार बार यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, भारतीय मुद्रा में स्थान मिले और गौ माता मुक्ति धाम बनाया जाए। और जैसे भी दिक्कत आ जाए, आंधी तूफान में मैंने आरती की है, इसी क्रम को मैं आज कर नहीं पा रहा था, तो साथी लोग हम कर लेंगे। राष्ट्र माता गौ माता। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।